हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल खुजा ऑफिशियल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज का ब्लॉग है जी हाँ अगहन का इतवार का नियम पूजा विधि जी हाँ आज के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि आज मैं अगहन का इतवार कैसे की हूँ जी हाँ नवंबर में जो इतवार आता है वो कैसे करती हूँ मेरे यहाँ कैसे होता है तो वो फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो बने रही हमारे ब्लॉग में कहीं मत जाइएगा ये है आम का दतमन जी हाँ आम का दतमन से छठ और इतवार में जी हाँ ब्रश किया जाता है दतमन किया जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दतमन कर रही हूँ आम की लकड़ी से और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो मेरा साड़ी है और आप लोग मेरा छठ का ब्लॉग देखे होंगे तो मैं यही साड़ी पहनी हूँ और छठ इतवार में भी यही साड़ी पहना होता है तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ जी हाँ छठ इतवार के मेरे यहाँ अर्घ दिया जाता है तो फाइनली यहाँ देख सकते हो मेरा लुक और ये मैं थोड़ा सा छत का क्लिपिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जी हाँ अगहन का इतवार जो होता है वो मैं कर रही हूँ तो यहाँ देख सकते हो अगहन में ही सीम में सीम का बेल देख सकते हो यहाँ इस बेल का जो जड़ है वो देख सकते हो कितने कम मिट्टी में है छत पे छोटी सी गार्डनिंग है और यहाँ देख सकते हो मम्मी जो है वो तैयारी कर रही है जी हाँ दो यहाँ पे देख सकते हो सूप लगा रही हैं एक मम्मी का है और एक मेरा है जी हाँ दोनों आदमी अर्घ देंगे दोनों आदमी छठ करते हैं और छठ जो करता है उसको इतवार करना जरूरी होता है और अगहन का इतवार है तो ये सत्ताईस तारीख वाले सारे लोग किए हैं और जो नहीं कर पाए हैं या किसी वस छूट गया है तो वो चार तारीख जी यहाँ चार दिसंबर का लास्ट इतवार है जो कि शुक्ल पक्ष में होता है तो उसमें करते हैं तो वो कर सकते हैं वो वाला और हम लोग किए हैं सत्ताईस तारीख वाले बहुत लोगों ने किया है और यहाँ पे देख सकते अभी फ़िलहाल देख सकते हो मम्मी जो है वो अर्घ दे रही है और यहाँ पे मेरे जो देवर जी हैं वो अर्घ दिला रहे हैं मम्मी को और उसके बाद मैं दूंगी जी हाँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे दे रही हूँ उस यहाँ देख सकते हो मैं भी आ गई हूँ अर्घ देने के लिए दोनों लोग छठ किए हैं तो दोनों लोग इतवार करते हैं और यहाँ पे हम दोनों आदमी अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को और उसके बाद कहा जाता है कि सूर्य भगवान का जो जल होता है वो पैर पे नहीं पड़ना चाहिए अगर आपके पैर पे पड़ता है तो आप फिर से उस पर पानी डाल दें क्योंकि लात अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर फाइनली हम लोगों का अर्घ हो गया है और यहाँ हम लोग क्षमा मांग रहे हैं जी हाँ हर किसी से ये है हमारे सूर्यदेव जी पंड नाम कर लीजिए और हर किसी से जो होता है वो कुछ ना कुछ गलती भूल चुक होता ही है और इस युग में साक्षात कोई देव है तो वो है सूर्य देव जो सब चीज़ समझते हैं देखते हैं उनसे क्षमा और यहाँ पे लता को जो है वो मम्मी को प्रणाम कर रही हैं ये मेरा पूजा रूम आप लोग अक्सर देखते हैं तो मैं सोची क्यों ना फिर से आप लोगों को दिखाऊं और यहाँ पे लता को मैं बोल रही थी आ जाइए तो थोड़ा सा वो मूह छुपा ली और यहाँ देख सकते हो मैं आ गई हूँ अर्घ देने के बाद दूध बॉयल करने के लिए तो बहुत लोगों ने कहा कि किचन के चूल्हा पे तो हाँ क्लीन करके आप कर सकते हो फिलहाल हमारे यहाँ है तो अलग से मैं कर रही हूँ यहाँ पर चाय बना रही हूँ दूध मेरा बॉयल हो गया है और कहते हैं यहाँ पे देख सकते हो मैं कर रही हूँ उसके बाद फिर मैं जाऊँगी खरना करने के लिए तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ यहाँ देख सकते हो मम्मी दो जगह थाली लगा रही हैं खरना के लिए और अगहन में चूह चूड़ा से ही किया जाता है तो यहाँ चूड़ा मीठा और दूध से हम लोगों हम लोग जो हैं वो खरना किए थे और कहा जाता है कि एक ही बार बैठ के आप जो भी पानी लेना है चाय लेना है जो भी लेना है वो एक ही एक बार बैठ गए खरना करने के लिए तो उसके बाद जो उठते हैं तो कुछ भी नहीं लिया जाता है और ऐसे ही किया जाता है तो चाय भी देख ही सकते हो मैं बना ली थी और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मम्मी को देख सकते हो तैयारी कर रही हैं और ये गाय के लिए और ये प्रसाद है जो जेंट्स के लिए है वो खा सकते हैं मैं निकालूंगी तो मेरे दो देवर खाएँगे और मेरे जो मेरा बेटा कुंज है वो खाएगा और बाकी यहाँ पे मम्मी जो निकालेंगी तो मेरे फादर इन लॉ के अलावा सारे लोग खा सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो और बीच में गाय के लिए है तो सारी मम्मी धीरे धीरे तैयारी कर रही है रिकॉर्डिंग के लिए मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पर मेरी ननद रहती हैं तो वो कर देती हैं तो दोनों लोग साथ में आप लोग को ब्लॉग में दिखते हैं देवर जी कुछ कर रहे थे तो मैं उनको नहीं बोल पाई अब मैं बोलती भी नहीं हूँ करने के लिए रिकॉर्डिंग लेकिन खुद से अच्छा होता है सेटिस्फैक्शन होता है दूसरे नहीं कर पाते सही से और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मम्मी फल भी देती हैं जी हाँ जो आपको रुचि है तो इसमें मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुमको कौन सा फल चाहिए तो मुझे संतरा अच्छा लगा से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता मैं फ्रूट में बहुत छूझी हूँ तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो मम्मी जो है वो दो कटोरा में दूध निकाली हैं जी हाँ और उसके बाद मम्मी कुछ कुछ पूछ रही हैं तो मैं उसका आंसर भी कर रही थी और यहाँ पे धूप जी हाँ धूप जलाया जाता है तो यहाँ पे मम्मी देख सकते हो धूप दे रही हैं और आप तो ऐसे ही सारे कुछ धीरे धीरे हर एक रिचुअल मैं सोचती हूँ आप लोग को जो मेरे यहाँ होता है वो दिखाऊँ और आप लोग को अच्छा भी लगता है यहाँ पे देख सकते हो फाइनली धूप मम्मी दिखा दी है और ये मेरे देवर जी बैठे हुए हैं पूजा के पास और वो कह रहे हैं जल्दी से पूजा करो मुझे प्रसाद चाहिए तो यहाँ पे फिर देख सकते हो फाइनली टाइम आ गया है हम लोग करने खड़ना जी हाँ छठ इतवार में होता है पहले अर्घ दिया जाता है उसके बाद ही खड़ना किया जाता है तो यहाँ पे शाम के टाइम में सूर्य ढलने से पहले कर लिया जाता है फिर रात को कुछ नहीं लेना होता है तो यहाँ पे पूरे दिन का फास्ट रख के शाम को एक बार जी हाँ खाया जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो मैं और मम्मी बैठी हुई हूँ छठ का मेरा वो ही सारी मम्मी भी अपना सारी छठ वाला ही पहनी हुई है तो ऐसे होता है हमारे इंडिया में हमारे बिहार में जी हाँ छठ एतवार पूजा और आप लोग के यहाँ कैसे होता है कमेंट्स करके बताइएगा क्योंकि हर घर में अलग अलग होता है बहुत लोग जो होता है वो अर्घ नहीं देते हैं सिर्फ नवैद्य निकालते हैं और खरना करते हैं और मेरे यहाँ जो है वो नवैद्य भी निकाला जाता है खरना भी होता है और अर्घ भी दिया जाता है तो यहाँ शुरू से मैं मम्मी को देखी हूँ अर्घ देते हुए तो मैं भी दो बार से अर्घ दे रही हूँ और उसके बाद होता है छः महीने बाद जी हाँ भाड़ा बैठाया जाता है जो कि वैशाख में बैठाया जाएगा तो वो ब्लॉग भी मैं आप लोग तो को आई बटन में डाल दूंगी देख सकते हो चेकआउट से कर सकते हो और यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो कुंज को कैसे पानी पे चल रहा है बहुत नटखट है बहुत बदमाशी करता है यहाँ पे देख सकते हो वो कैसे भाग रहा है और ये मेरे गोदी में इसको पकड़ रही हूँ लेकिन फिर भी आने के लिए तैयार नहीं है भागते भागते इसको मैं प्रसाद खिलाए टीका की देख सकते हो ये भी माँ बेटा दोनों इसमें सिंदूर का भी टीका कर सकते हो बहुत लोग रोली का करता है लेकिन छठ में देखते सब लगा आप सभी को हमारा ये छठ एतवार का ब्लॉग जी हाँ रविवार व्रत विधि ब्लॉग प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना तो देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग